नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ नीता जी हैं जो 31 सालों से डेरा सच्चा सौदा संस्था में आ रही हैं। इनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं कि कैसा माहौल लगता है इनको डेरा सच्चा सौदा संस्था का, क्या कहना है इनका, तमाम सवाल इनसे बातचीत करके जानते हैं। नीता जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप 31 सालों से आ रही हैं, आपका परिवार भी आता है? हाँ, शुरू से आता है। पहला माता जी ने लिया सी, मेरी सास ने लिया सी, उन्होंने सानू एक एक जी नू घट्टो घट्ट असं भी जी आए घर च कि चार भरा आए, नूह आई, उन्होंने बच्चे आए ने, पोते पोतियाँ, पांच साल के बच्चों ने उन्होंने सानू इधर डेरे च लाया कि सानू ए लगता है कि असं होर किसी पास जाइए ना, कि सानू सारी चीज़ ही इतों मिलती पी है। माहौल कैसा लगता है? माहौल बहुत अच्छा है कि मैं तो हूँ साढ़े गुड़िया हूँ ब्याहियाँ बीती है, 31-32 साल दी हो गया, कल्याण छड़ देंदे सी, सेवा करी आउंदियां सी, कोई सानू लगता नहीं सी कोई गलत काम होगा जां कोई गलत है, कोई छेड़ो मैं कोई हाथ भी लाऊगा, कोई है जां कुछ नहीं कीता, कभी भी ऐसा नहीं, कभी नहीं हुआ। मीडिया में तो काफ़ी लग दिखाया जा रहा था, मीडिया तो कुछ ही कही है, उन्होंने की कर सकते। गुफा में गए हो कभी आप? हाँ, गुफा में गए हैं। वहाँ पर कैसा माहौल होता है? बहुत शांत सुहा हैगा कि रामदारी नाल बच्चे सेवा भी करी जाते हैं, सब वचन सुनते हैं, सारी गलबात होती है। क्या सेवाएं क्या होती हैं वहाँ पर? कि पानी पिलाता, कोई माड़ा मोटा कूड़ा करकट पे वो चक देना, और की उत्थे सेवा ही सेवा करवाते। और संत डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जी का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है? बहुत अच्छा जी, उहदे वर्गा तो मैं कहनी कोई हो ही नहीं सकता संसार च। क्या काम किए हैं उन्होंने समाज के लिए? उन्होंने समाज के लिए बहुत भलाई के काम किए हैं। उन्होंने जो एक सिलाई की किसके दो लड़कियाँ ही हैं, वो भी एक लड़की अपने पास रखे, आपका घर जवाई बना कर नहीं उसको बेटा बना के रखे, कि वो बेटी अपने माँ बाप की वैसे ही प्रवेश करे। क्या आपको लगता है आज भी ऐसे संत की ज़रूरत है समाज को? बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। जो दूसरी तरफ संत जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है? वो तो झूठ ही है जी, सच के तो हो जाएंगे कभी भी आपको? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं। आप जो बोल रहे हो सुनते हैं ना, कान ऐसे लगते हैं जिमें ख़त्म ही हो जाएंगे, जो गलत करते हैं ना काम, जो बोलते हैं ऐसे लगता है कि क्यों पाप कर रहे हैं, पाप ही कर रहे हैं एक तरह के, बस और कुछ नहीं कह सकते। ठीक, क्या आपको लगता है ज़रूरत है ऐसे संत की समाज को? उसके बिना तो संसार चलना ही नहीं, ऐसे लगता है खत्म ही हो जाएगा। आप जो बोल रहे हो अपनी मर्जी से बोल रहे हो या कोई दबाव प्रेशर बनाया गया आपके ऊपर? नहीं नहीं, या किसी के कहने से बोल रहे? नहीं नहीं, हम तो शुरू के ऐसे ही देख रहे हैं, 31-32 साल हो गया हमको, कि ऐसे समझ लो 32 साल मेरी मैरिज को है, उसी टाइम से आ रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि मुझे तो रब भी उधर नहीं मिल गया जब मेरा मैरिज होगी। की मांग करूँगी सरकार? मुझे सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे गुरु है जो पिताजी है हमारे, जल्दी से जल्दी हमारे घर आ जाए बस। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द से जल्द साईं डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जी साथ समाज में वापस आएँ। ये लगातार अपील, लगातार मांग है पब्लिक की। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम।